यस भी, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंग विड्थ इन इंटरफेरेंस या थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस भी। हम लोगों ने दो पॉइंट प्रूव कर चुके थे, हम लोग इंटेंसिटी का पॉइंट था और क्या था, अल्टरनेट का पॉइंट था कि जो फ्रिंग विड्थ जो थे वो अल्टरनेट फ्रिंग्स जो थे वो अल्टरनेट फॉर्म में बन रहे थे भी। एक और पॉइंट है कि जो फ्रिंग्स की जो विड्थ थी वो सेम है भी हर पॉइंट पे भी। वो कैसे है देखिए, ये हमारी स्क्रीन मान लेते हैं, दिस स्क्रीन, यहाँ पे स्लिट्स हैं भी, ठीक है, स्लिट ए स्लिट बी, ये स्क्रीन है, स्क्रीन कुछ डिस्टेंस पर रखी गई है स्लिट से भी, इसको डिस्टेंस डी मान लेते हैं, और विड्थ के बीच का भी कुछ डिस्टेंस था भी, इसको स्मॉल डी मान लेते हैं, ओके। अब देखिए आपको इस पॉइंट पे निकालना अभी, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, एनी पॉइंट भी, कि वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, कितना विड्थ होगा, किससे निकालेंगे विड्थ भाई, किसी एक बीच के पॉइंट से, उसको बोलते हैं सेंट्रल भी। इस पे सेंट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा भाई, देखिए एक लाइन ड्रा करते हैं, बीच का पॉइंट है ये, हम लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये ए से इक्वल डिस्टेंस पे है, ए से बी से, यस सर नो, ये जो आपने बोला कि जीरो किसको ले, ये जीरो ये है भैया, जहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो जाए, जीरो हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट पे। अगर याद होना चाहिए जीरो पॉइंट पे मैक्सिमम मिला था मेरे को भी, एन की वैल्यू जब जीरो थी कितना मिला था मैक्सिमा, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमा, जहाँ से आपने ग्राफ बना था ऐसे करके, वो पॉइंट है ये, हो जाएगा भी। और यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है, पता नहीं ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा देखिए, ए सोर्स से लाइट जाएगी कहाँ तक भाई, पी तक, और बी से भी जाएगी पी तक, समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है भाई, किस सोर्स की लाइट ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया होगा, बता दो, बी ने। क्या आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना ज्यादा किया, सिंपल है, बड़े में छोटा माइनस कर देते हैं। अगर आपको याद हो ना, हमारा पहला टॉपिक पाथ डिफरेंस पे एंड हुआ था भाई, तो उसे शुरू करना मेरे को टॉपिक, यस आर नो, चेक तो करें कितना डिफरेंस आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है देखो, अब सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, इसकी आंसर लाइन ड्रा करते हैं, ये पॉइंट एम मान लेते हैं, एक लाइन यहाँ से ड्रा करते हैं, ये पॉइंट एन मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का पता नहीं कितना है, निकालना है एक्स, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है अभी यहाँ से यहाँ तक का, अगर आप ढंग से देखो ना, ये है अभी हाफ, ये डी है उसका हाफ किया गया है अभी, डी बाई टू, सही है कि नहीं, ये कितना है डी बाई टू, ये कितना भाई, ये भी डी बाई टू है, समझ में आई बात, कर लिया अभी। देखिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना है अभी, लिखिए P इज द एनी पॉइंट भी, P इज द एनी पॉइंट वेयर, P इज द एनी पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट विड्थ ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, विड्थ ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ओके। अब देखिए अभी दो सोर्स की लाइट पहुंच रही है पी तक भी, तो पाथ डिफरेंस कितना है उनके बीच में भी, टॉपिक शुरू करता हूँ पाथ डिफरेंस से भी, पाथ डिफरेंस क्या है इनके बीच का, जो ज़्यादा ट्रेवल करेगा वो ज़्यादा इसका वैल्यूज होगा भी पाथ का, यस आर नो, तो कैसे करोगे, बड़े में से क्या कर दो छोटा माइनस कर देते हैं, तो क्या लिखोगे, बी पी माइनस ए पी भी, क्या बना सही लिखा, इसमें से ये मान कर जो ज़्यादा होगा वही पाथ डिफरेंस होगा इनका, कर लोगे भी। अब सिंपल आपको बी पी और ए पी निकाल लें अभी, तो यहाँ से देखिए मैं ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ अभी, इन द ट्रायंगल ए पी एम,
दिखाई दे रही है इन द ट्रायंगल APM, AP तो यहाँ पे है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, तो क्या लिखोगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर भी, सही है। व्हाट इज AP स्क्वायर, AM कितना भी, डी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर भी, क्या मैंने उसे लिखा है, यहाँ तक एक्स है भाई, इसको कटाया ये बच जाएगा, एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर भी, यस और नो, ये आ गया आपका एपी, अंडर रूट कर दो क्योंकि मेरे को एपी चाहिए भाई, एपी स्क्वेयर नहीं चाहिए, एपी इज इक्वल टू, इसको से ले सकते हैं डी स्क्वेयर प्लस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वेयर का पावर 1/2, क्या मैंने सही लिखा बताओ, इस पूरी इक्वेशन से क्या डी स्क्वेयर को बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन एपी डी स्क्वेयर को बाहर निकालेंगे, अंडर रूट है भाई, स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा तो डी बाहर निकलेगा, डी यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर का पावर 1/2 भी, दिख नहीं रहा, चलो ऊपर करेंगे इसको, ये लिखो एक बार, हो गया भाई, अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई क्योंकि पावर 1/2 है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से, देख लीजिए फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथ वाले बताएंगे भाई, सॉल्व करना होता है, बुलवा लगे होंगे पुरानी बातें हम लोगों ना भाई, देखिए आप लोगों ने बता रहा हूँ ये मैंने बात जो प्लस होने से भी बताई थी, x प्लस वाई का पावर 2 सोल्व कर सकते हैं, x प्लस वाई का पावर 3 सोल्व कर सकते हैं, 4 सोल्व कर सकते हैं, 5 सोल्व कर सकते हैं, पता नहीं मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है, क्या आप x की पावर 2.5 सोल्व कर सकते हो भी, ये भी कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम से, ठीक है, तरीका क्या होता है, इसको इस फॉर्म में ले आइएगा 1 प्लस दिस वैल्यू, तो x कॉमन निकाल लो यहाँ से, x कॉमन निकलेगा तो पावर कितना बचेगा 2.5, x की पावर है 2.5, 1 प्लस y बाई x, जो पावर आगे है वो गुणा कर दो आगे के साथ, सिंपल है, हम क्या करते हैं फिजिक्स में, वी कैन नेगलेक्ट द हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, देखो भाई सिंपल तरीका है, 1 प्लस एक्स की पावर 7/2 सोल्व करना हो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 7/2x, 1 प्लस 7/2x आगे भी आएगा बाई 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, उसको हम यूज नहीं करते फिजिक्स में, मैथ वाले यूज करते हैं उसको भी, तो सिंपल सा भाई याद करने का तरीका क्या है, को रट्टा मारना, रट्टा ही मारना मतलब, ठीक है, पावर को क्या करोगे वेरिएबल के साथ क्या कर दो, गुणा कर दो भाई, सॉल्व हो जाएगा, उतना ही करना है, ज़्यादा डीप जाना नहीं हमको भी, डब करते हैं भाई, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी, क्या लिखोगे, डी 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, सोलो गया भी, पावर को गुणा कर दो वेरिएबल के साथ भी, कर पाओगे, बस इतना ही करना है, हो गया आपका एपी निकला है अभी, रब कर दें इसको, अब क्या निकालना है आपको, बीपी निकालना है अभी, तो किस ट्रायंगल से निकलेगा अभी, इन द ट्रायंगल बीपीएन इस ट्रायंगल में अभी, अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम भी, बीपी स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके भाई, बी एन स्क्वेयर प्लस पी एन स्क्वेयर, सही लिखा है, यूज करने आ जाएगी, व्हाट इज बी एन स्क्वेयर भी, ये डी तो है, डी स्क्वेयर, व्हाट इज पी एन स्क्वेयर, यहां से एक्स प्लस डी बाई टू, तो कितना आएगा, एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर भी, सही है, व्हाट इज बीपी, तो डी स्क्वेयर प्लस
एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर का पावर 1/2। अगेन डी स्क्वेयर को बाहर निकालो तो क्या आएगा बीपी के वैल्यू, डी बाहर निकलेगा अंडर रूट से, 1 प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर का पावर 1/2। अब दिखता नहीं है, ये मत करना कि लिख सकते हो, बड़ी बात नहीं है। पहले हम लिखिए बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम भाई, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बी पी इज इक्वल टू डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर पावर को आगे गुणा कर दो। सिंपल तरीका है, कर लोगे दो वैल्यू आ गई भाई, ए पी भी आ गया और बी पी भी आ गया। अभी पावर डिफरेंस निकाल सकते हो, ये रब कर दूं डायग्राम भाई। क्लास याद तक समझ में आया टॉपिक भी आपको? मैंने आपको बोला कि मुश्किल कुछ नहीं है, हम वो चीज़ें यूज करेंगे जो आपको आती होंगी सारी भी, ऐसे कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे इसमें। अब पाथ डिफरेंस क्या होगा अभी क्लास? क्या था पाथ डिफरेंस याद है ना? बीपी माइनस एपी था भाई, बीपी माइनस एपी, पुटिंग द वैल्यूज भी। पाथ डिफरेंस कितना आएगा? बातें मत करो भाई। बीपी कितना है? बीपी है यस और नो? अंदर गुणा कर दो उसकी, यस और नो? कितनी आएगी? डी प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू बाई डी, जरूरत नहीं वैसे तो कॉमन निकल जाएगा दोनों में से, दी कॉमन निकाल लेते अच्छा रहेगा, नहीं गुणा नहीं करते अभी, बहुत बड़ा रुपये बन जाएंगे तो। ठीक है तो लिखो एक बार पूरा लिख देते हैं, डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाई टू का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर माइनस डी 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर, यही है ना? ओके दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? डी कॉमन निकाल लेते हैं, रब करते हैं इसको ऊपर वालों को, डी कॉमन निकालो भाई। पाथ डिफरेंस कितना आएगा? डी कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1/2 1/2 एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर, हो गया माइनस आएगा सारा आगे, माइनस है ना? तो -1 -1/2 एक्स माइनस डी बाई टू का स्क्वेयर, स्क्वेयर है यहाँ पे स्क्वेयर आएगा फिर बाई डी स्क्वेयर, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है सही लिखा है, 1 से 1 काट दे, यस और नो? इसमें इसमें क्या कॉमन है वो बाहर निकाल लेते हैं, कितना आएगा? डी कॉमन क्या है? बाई टू डी स्क्वेयर, सही है। यहां पे क्या बचा भाई? एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वेयर, क्या स्क्वेयर ओपन कर सकते हो? करो, एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाई फोर प्लस एक्स डी, 2xd होगा, डी बाई टू, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे करो सोल्व भाई इसको, माइनस माइनस बार है, कितना आएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर बाई फोर प्लस माइनस एक्स डी भी, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का भी, अरे वो ये प्लस भी है ये माइनस भी है, माइनस अंदर जाओगे तो वो वाला वैल्यू प्लस का हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया बात? काट दें, कितना वैल्यू आएगा पास डिफरेंस का भी? ये हो गया 1/2d, डी से डी काट देते हैं, वहां पे कितना बचा? 2xd, 2 से 2 काट दें, तो पास डिफरेंस कितना आया? एक्स डी बाई डी, बहुत बार यूज होगा फॉर्मूला ये।
ठीक है, एक्स डी बाई डी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? यानी दो वेव्स जो मिल रही थी पी पॉइंट पे, उनके बीच में इतना पास डिफरेंस है अभी, हो जाएगा अभी तक कुछ पूरा नहीं हुआ, अभी टॉपिक शुरू होगा अभी टॉपिक को, तो हमें क्या करना है, विड्थ हम तो विड्थ निकाल ली ना भाई, टॉपिक तो अभी शुरू करने हम लोग, ठीक है कुछ करते हैं भाई। फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा भाई याद है, इंटरफेरेंस में लिखिए फॉर मैक्सिमा, कंडीशन यूज करते हैं भाई। मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, पास डिफरेंस की, याद है कि नहीं है? मैक्सिमा के अंदर पास डिफरेंस कितना था, एन लेमडा था भाई। अरे तुम चेक कर लो पीछे को पेज पर लिखे, पास में कितना था, एन लेमडा, यहाँ पे एंड हुआ था टॉपिक, वहाँ पे अभी यहाँ शुरू करना है अभी। पास डिफरेंस मैंने निकाल लिया है, कितना पास डिफरेंस, एक्स डी बाई डी, यही है ना, या ऊपर कैपिटल था, यही था, तो लिख सकता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, दिस कितना आएगा भाई बताओ, एन लेमडा बराबर है ये एक्स, हम तो एक्स निकालना है ना, एक्स निकालना है, एक्स डी बराबर है, एक्स डी बाई डी बराबर है किसके, एन लेमडा के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स भी, एन लेमडा डी बाई डी, ये एक्स की वैल्यू होगी जो हमको पता था, व्हाट इज एक्स, पता नहीं था मेरे को क्या है एक्स, अब ये भी इससे कुछ काम नहीं चल रहा अभी। अब ये बताओ मेरे को कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, एन के लिए जब एन जीरो था तो मैक्सिमा था, यस और नो? अगर एन जीरो हो जाए तो एक्स जीरो की वैल्यू कितनी हुई, जीरो। यानी आपको पता चलना चाहिए जो अपने पॉइंट ओ माना हुआ है वो सेंट्रल मैक्सिमा है भाई, उसमें पाँच मिनट की वैल्यू कितनी है, जीरो है भाई, एक्स इज द पाथ रिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब ये विड्थ था, सॉरी विड्थ था ये, एन की वैल्यू वन कर दें तो एक्स वन कितना आएगा, कितना, लैम्डा डी बाई डी, यस आर नो? एक्स एन की वैल्यू टू कर दूं तो एक्स टू कितना आएगा, यहां पे कर लेते हैं, एन की वैल्यू टू कर दिया जाए एक्स टू कितना आएगा बताओ जल्दी से मेरे को, टू कर दे, टू लैम्डा डी बाई डी, थ्री कर दें तो चलता आएगा ये काम, थ्री लैम्डा डी बाई डी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब क्वेश्चन ये है दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी एक्स वन और एक्स में कितना डिस्टेंस है, कितना है, लैम्डा डी बाई डी, एक्स वन और एक्स टू में कितना है, लैम्डा डी बाई डी, एक्स थ्री और एक्स में कितना है, लैम्डा डी बाई डी, इक्वल डिस्टेंस पे बन रहे थे, चेक कर लो दो के बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है, तो कितना डिफरेंस, विड्थ कितनी है, लैम्डा डी बाई डी, हर एक विड्थ कितनी है, लैम्डा डी बाई डी। समझ में आ रहा है नहीं यार तुम लोगों को, yes, sir. जीरो फर्स्ट में कितना डिफरेंस है, लैम्डा डी बाई, फर्स्ट सेकेंड में माइनस माइनस करते चले जाओ माइनस, ये तो हो गया मैक्सिमा की विड्थ सेम आई हर जगह, इक्वल डिस्टेंस पे मैक्सिमम बन रहे थे भाई, यस आर नो? अब बात करते हैं मिनिमा की, रब करते हैं भी इसको, डिस्ट्रक्टिव के लिए करते हैं, मिनिमा की कंडीशन क्या थी पाथ डिफरेंस की भी, पाथ डिफरेंस कितना था, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, चेक करो, अरे देख लिया करो कॉपीज में से, मिनिमा कंडीशन क्या थी, 2n प्लस 1 था माइनस 1 था, माइनस 1 था, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यस आर नो? और पाथ डिफरेंस क्या था, हमने अभी निकाला हुआ है, कितना था भाई, एक्स डी बाई डी, तो लिख सकता हूँ एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, दोनों पाथ डिफरेंस है, यस आर नो? तो एक्स का वैल्यू कितना भाई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू डी बाई डी, सही लिखा है, अरे बता दो, एक्स एन की वैल्यू 1 भाई, 1 थी ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 1 भाई, 1 करके देखो, 1 हो गया, 2 माइनस 1 1 लैम्डा
बाई टू डी बाई, तो कैसे लिखोगे इसको, वन बाई टू लेमडा डी बाई डी, यस आर नो? एन की वैल्यू टू कर दो भाई, एन की वैल्यू टू, टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री, थ्री बाई टू, एक्स टू कितना हो गया, थ्री बाई टू लेमडा डी बाई डी, एन की वैल्यू थ्री करें तो थ्री सिक्स माइनस वन फाइव बाई टू, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा भाई, फाइव बाई टू लेमडा डी बाई डी, इस तरह एन का निकाल सकते हो। दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस कितना है, एक्स टू माइनस एक्स वन करके देखो कितना आएगा, लेमडा डी बाई डी आएगा, इसके बीच में डिफरेंस करो लेमडा डी बाई डी आएगा, यस आर नो? तो विड्थ कितना है मिनिमा का, अगेन सेम लिमिट कितना था, लेमडा डी बाई डी, मैंने बोला था कि मिनिमा और मैक्सिमा आर फॉर्मड एट द इक्वल विड्थ इक्वल डिस्टेंस पे बन रहे थे भाई, यस आर नो? तीनों पॉइंट प्रूव हो चुके हैं क्लास एक्सपेरिमेंट के भी। एक चीज और भी है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द विड्थ बिटवीन वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमा, भाई कहाँ पे टू कैसे आएगा, डेढ़ में से आधा घटा दिया, एक की बचेगा भाई, वन बाई टू नहीं आएगा, करके देख ले, नहीं आया, इन दोनों में से कॉमन निकाल ले कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी कॉमन आएगा, थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू वन बचेगा भाई, इसमें से करो फाइव बाई टू माइनस थ्री बाई टू वन बचेगा भाई, सही है कि नहीं है? तो कितना आएगा, लैम्डा डी बाई डी, क्वेश्चन ये है भाई क्लास, विड्थ बिटवीन विड्थ ऑफ वन मैक्सिमम एंड वन मिनिमा भी, इसका हाफ कर दो, ये पता आपको क्या हो रहा है, ये देखो ये मैक्सिमा था, ये मिनिमा था, मैक्सिमा ऐसा कुछ था, यस आर नो? ये कितना है, लैम्डा डी बाई डी, ये कितना है, लैम्डा डी बाई डी, अरे ये कितना है, हाफ ही तो इसका, एक पॉइंट को लिखो इस पॉइंट को भी, विड्थ ऑफ वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा भी, विड्थ ऑफ वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा, उनके बीच का कितना डिस्टेंस है अभी, सिंपल है अभी, कितना, वन बाई टू लेमडा डी बाई डी, वन बाई टू लेमडा डी बाई डी, क्या समझ में आया टॉपिक, टॉपिक कंप्लीट हुई, सिक्स ई कंप्लीट हुई, ओके, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ क्लास, मैं बोला इसमें से पता नहीं कितने तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर आपसे भी, क्लास भाई इसमें पहला क्वेश्चन होगा, किसी एक सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर मीडियम लगा दिया जाए, तो उसको एक टॉपिक बना रखा है ना, फ्रिंग विड्थ का भी, सॉरी फ्रिंग शिफ्ट का भी, ये हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है अभी, फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रब कर दें इसको, ये क्लास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर पढ़ के आना भाई एग्जाम में, बहुत बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट रहेंगे भी। देखिए हमारे पास स्लिट थी भी, ये ऐसा कुछ था ना, कर लोगे, किसी एक सोर्स के पे मीडियम लगा दिया जाए, मीडियम समझते हो, एक सोर्स लाइट ग्लास से पास करवा दोगे रास्ते में, तो सेंटर मैक्सिमा पे क्या फर्क पड़ेगा, जबरदस्त क्यों सुना, क्या फर्क पड़ेगा, इस पे लगाओगे ऊपर वाले पे तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे लगाओ तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, याद रखिए इस बात को, याद ही रखना है, एक्सपेरिमेंटल है सारी चीज़ें, कर लोगे, समझ में आया कि नहीं आया, इंटरफेरेंस टॉपिक का जब करवाया गया था उसमें कंडीशन थी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कीजिए, अगर व्हाइट लाइट यूज़ करो तो क्या होगा, क्या इंटरफेरेंस बनेगा, बनेगा भी, तो क्या होगा उसमें जो फ्रिंग्स बनेंगी वो रंग बनेंगे, रंगीन बनेंगे भी, कलर्स सात रंगों में टूटेगा व्हाइट लाइट में, क्वेश्चन ये होगा सेंटर मैक्सिमम का रंग कैसा होगा, सेंटर मैक्सिमम ऐसा ही व्हाइट बनेगा क्योंकि उसका पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया, उसके बाद जाया क्या बनेगा, कलर रिंग बनेगी, क्वेश्चन है लास्ट रिंग कौन सी होगी, रेड लाइट लास्ट होगी, यस आर नो? इस तरह के बहुत से क्वेश्चन है, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को मीडियम में रख दिया जाए, पूरे में पूरे को, तो सेंट्रल मैक्सिमम क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
कि दोनों के लिए मीडियम चेंज हुआ अभी, इसके लिए ऊपर जाए, इसके लिए नीचे जाएगा, इसके लिए ऊपर जाएगा, वहाँ आखिर वहीं पर रह जाएगा अभी आंसर कर लोगे। इसमें केस बनाइएगा व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्स टू लाइट चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, अगर लाइट का फेज चेंज हो जाए भी टाइम के साथ भी, ओके एंड एंड चलो एक बार ये कर लेते हैं। तो इसमें कितना आएगा, एक बार इंटेंसिटी कितना आएगा, देन इंटेंसिटी इज, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, याद है भाई, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू, यही था ना, कॉस फाइव इंटेंसिटी ये था भाई। अगर मैं इंटेंसिटी को देखिए, जब चेंज हो रहा है तो डिपेंड नहीं कर रहा फाई के ऊपर, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ आई वन मैक्सिमम है भाई, आई नॉट, इंटेंसिटी ऑफ आई टू भी मैक्सिमम है, आई नॉट, सेम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेट इंटेंसिटी कितना होगा, क्या निकाल सकते हो, दोनों वेव यूज कर रहा हूँ क्लास, दो वेव हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड की यूज कर रहा हूँ, केस में आता हूँ ना, बोला था कि इक्वल भी हो सकती हैं, ए और बी, दोनों ए हो सकते हैं, दोनों बी हो सकते हैं, ये यूज कर रहा हूँ मैं, इक्वल एम्पलीट्यूड यूज कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा अभी, ये फॉर्मूला बनाया जा रहा है अभी एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए, अभी क्वेश्चन आने वाला उसी ऊपर करेंगे सारा काम, ठीक है। तो कैसे बनाओगे, देखो आई के वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, आई नॉट प्लस टू आई नॉट स्क्वेयर कॉस फाइव, सही है कि नहीं, तो आई प्लस कितना हो गया, आई इज इक्वल टू टू आई नॉट प्लस टू आई नॉट कॉस फाइव, सही है। तो आई इज इक्वल टू लिख सकता हूँ टू आई नॉट कॉमन आ गया अभी, वन प्लस कॉस फाइव, वन प्लस ए कॉस फाइव, कोई फॉर्मूला बनता है वन प्लस कॉस फाइव का, मैथ वालों व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ने, कितना टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, कितना बनता है टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, वन प्लस कॉस फाइव का फॉर्मूला ले सकता हूँ टू कॉस फाइव बाई टू, स्क्वायर आएगा स्क्वायर, हाँ भाई ये आता है, ये कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर का, यस सर ना, सही है जो लिखा मैंने यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज भी, आई इज इक्वल टू टू आई नॉट, फार्मूला भाई क्लास मैथमेटिक्स का भी, कितना आएगा इंटू टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, सही लिखा है। तो आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट, इस फार्मूले को बहुत बार यूज किया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर, समझ में नहीं आएगा आपको हो कह रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि वो डायरेक्ट बोल देगा कि दो इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड सेम है भाई, सही है कि नहीं है, उसे अच्छा पूरा टॉपिक करें इससे, चाहे ये कर लेते हैं डायरेक्ट, ओके एनी प्रॉब्लम भाई, हो गया, लिखिए भी आगे, इसका एक और पॉइंट डाल लेते हैं छोटा सा, बुक में है वैसे, अगर फेज टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ेगा भी? देखिए कॉस की वैल्यू चेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, माइनस वन से प्लस वन, अगर मिनिमम यूज करना तो माइनस वन यूज कर लो, मैक्सिमम यूज करना तो प्लस वन यूज कर लो, यस और नो, यही मैक्सिमम भाई, इससे ऊपर हो नहीं सकता इसका, और डिवाइड बाई टू को रखा है तो मैक्सिमम कितना, वन बाई टू, इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है वन बाई टू, मिनिमम कितना हो सकता है माइनस वन बाई टू, इतना ही तो फर्क पड़ेगा चेंज होगा तो, यस और नो, लिख लीजिए व्हेन फेज चेंज विद टाइम भी, व्हेन फेज चेंज विद टाइम, अगर फेज टाइम के साथ चेंज होता है तो कितना फर्क पड़ेगा इंटेंसिटी के ऊपर, बस चेंज मैक्सिमम कर लिया मैंने, चेंज मैंने बता दिया कि माइनस वन से प्लस वन तक चेंज हो रहा है भाई, इतना बड़ा चेंज हो रहा है, ये सब ऊपर हो नहीं सकता, कर लोगे तो वैल्यू कितना रहेगा, माइनस वन रहेगा या प्लस वन रहेगा, और डिवाइड बाई टू भी कर रखा है एंगल के साथ, तो मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है, फोर आई नॉट इंटू वन बाई टू का भी, प्लस का प्लस का, माइनस का माइनस का, मैक्सिमा के लिए प्लस का, मिनिमा के लिए माइनस का डाल दीजिए, यस और नो,
देखो ये भी जरूरत नहीं है प्लस माइनस लिखने की, आपको पता है ये सभी का इंटरेस्ट बराबर होता है भाई, सारे मैक्सिमाज का सारा मिनिमाज का भी कर लोगे तो कितना आएगा, टू से टू काट दें तो आई की वैल्यू कितनी मैक्सिमम में, इतना ही फर्क पड़ेगा, पहले की हाफ हो जाएगी, सॉरी डबल हो जाएगी, ये टू है ना, टू से फोर काटो कितना आएगा, टू आई नॉट, पहले चार गुना थी भाई इंटेंसिटी रिजल्टिंग की, अब कितनी होगी, हाफ मतलब हाफ ही हुई है पहले से, सही है कि नहीं है वे? तो बस यही था फार्मूला में यूज़ करना था, ये करें नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज इसको रब कर।